दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आज मैं आपको एक बेहद सामान्य सी और बहुत आसान सी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जो आप घर पर रहकर अपने ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं। जनरली इन दिनों ऑक्सीजन की कमी है और आप देख रहे हैं कि आप में से कई लोग परेशान हो रहे हैं, अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पल्स मीटर डाउन हो जाता है। तो आपको बहुत ही सामान्य सी एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। आपको ऐसे बैठना है जैसे मैं अभी बैठा हूँ और आपको पेट के बल उल्टा, इस तरह से जैसे मैं उल्टा लेटने जा रहा हूँ ऐसे बैठना है। पेट के बल आपको एक पिलो लेना है, जैसे मैंने तकिया ले रखा है पिलो, और ऐसे बैठना है। बैठ के आपको उल्टा लेटना है पेट के बल, और आपको अपने दोनों हाथ पिलो के आगे लेना है और उसके बाद आपको जोर जोर से सांसें लेना है। लेकिन सांसें लेने के पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास इस वक्त पल्स ऑक्सीमीटर है, आपने से बहुत से लोगों ने देखा होगा, और ये जनरली ऑक्सीजन लेवल और आपका जो पल्स रेट होता है वो मापने के, मेजर करने के काम आती है। तो अभी मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने ये मशीन शुरू की है और अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैंने अभी मशीन शुरू की है, ऑन की है, और इसको मैंने इस मिडिल फिंगर में लगाया दोस्तों। आप ये इंडेक्स फिंगर में भी लगा सकते हैं और मिडिल फिंगर में भी लगा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है तो रीडिंग इसकी काफ़ी अच्छी आती है। अभी आप देखिए मेरा जो पल्स है, आप अगर देखें तो 103 आ रहा है और दूसरी तरफ मेरा ऑक्सीमीटर 95, आप ये देखिए 95 है। अब मुझे अगर इसको बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए अभी मेरी रीडिंग मैंने नोट कर ली है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लूँगा, आपको ऐसे उल्टे तकिए से अपने आप को कवर करना है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना है। अब दोस्तों मैंने देखिए जोर जोर से सांसें लेना शुरू किए और मेरा जो 95 ऑक्सीजन लेवल था वो कितना हो गया है बढ़कर, आप देखिए मैं देख पा रहा हूँ मेरा 95 से लेवल बढ़कर 99 हो गया है और मेरा पल्स रेट भी बढ़ गया है। पल्स रेट अब शायद 118 हो गया है, आप बेहतर देख पा रहे होंगे। ऑक्सीजन लेवल मेरा 99 हो गया है और पल्स रेट 116 117, मैंने क्योंकि जोर जोर से सांसें ली है। एक बार फिर आप देखिए डेमो, आपको बस तकिया लेना है, पेट के बल लेटना है और जोर जोर से गहरी सांसें लेना है, गहरी सांसें ताकत से। ये देखिए दोस्तों अभी भी मेरा ऑक्सीमीटर 99 बता रहा है लेवल और दूसरी तरफ पल्स रेट भी काफी अच्छा है। अब आमतौर पर आपको यह भी पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप दोस्तों ये मानकर चलिए आपका लेवल हमेशा 94 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 94 से कम है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। हम ये सोचते हैं जनरली कि 94 या उससे कम है तो हम हॉस्पिटल जाएं, भागा दौड़ी करें, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की पहले से ही किल्लत है और कोरोना के वेरिएंट का जो दूसरा म्यूटेशन आया है वो अब डॉक्टर्स कहते हैं कि सीधा चेस्ट पे जाके अटैक करता है, सिटी स्कैन से उसका खुलासा होता है बैक्टीरिया का। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोशिश करिए हॉस्पिटल आप जाइए, लेकिन अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, घबराने की जरूरत है, ऑक्सीजन सामान्य नहीं हो रहा है, आप घर रहकर जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, आपके पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये बेहद सामान्य सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और उसके बाद पल्स रीटर में, पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखिए। और एक दूसरी छोटी सी बहुत एक्सरसाइज, सामान्य से एक्सरसाइज बता रहा हूँ दोस्तों, यंग जो मेरे जैसे मित्र हैं ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज कारगर है जिनकी उम्र 30-35 साल से ऊपर है, जो सीनियर है। आपको ऐसे बैठना है जैसे मैं अभी बैठा हूँ और दोस्तों आपको अंदर से सांस लेके, गहरी सांस लेके आपको जोर से खांसना है, जैसे कि हम खांसते हैं, हम सामान्य खांसते हैं। दरअसल इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये होता है दोस्तों कि जब हम उल्टे सोते हैं यानी कि पेट के बल सोते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं जहां पर ये कोरोना का वायरस जो है जाकर बैठ जाता है, हमारे लंग्स फूल जाते हैं, फैल जाते हैं और ऐसे में वायरस को डिकोड होने में यानी अंदर तक पहुंचने में, अटैक करने में बहुत परेशानी होती है, हम उससे लड़ते हैं एक तरह से। तो आपको बस इस तरह से बैठना है, इस तरह से अपने हाथ रखना है और आपको अपना पीछे की जो कमर है वो उठानी है और आपका ये जो चिन है, ये नेक और ये आपका जिसे चेस्ट कहते हैं हम, छाती, इसे आपको नीचे रखना है, गहरी सांस लेना है
और जोर से खांसना है। आपको 4 से 5 बार ऐसे गहरी सांस लेके खांसना है और जो भी आपका बलगम सलाइवा जो भी आपका आता है उसे आपको थूक देना है, टिश्यू से साफ कर देना है। आपको ऐसे दिन में बस 2 बार करना है, 5 से 6 बार खांसना है। ये 2 बेहद एक्सरसी सामान्य एक्सरसाइज है, आप घर बैठे कर सकते हैं और अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सामान्य से एक्सरसाइज है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो।